स्किन के घावों की सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन बेस्ड एंटीसेप्टिक का बखान किया जा रहा है। वैक्सीन विरोधी उसे कोविड-19 को रोकने के उपाय के रूप में पेश कर रहे हैं। बीटाडीन ब्रांड नाम से बिकने वाली कोविडोन आयोडीन सोशल मीडिया पर झूठे दावों का चर्चा बनी हुई है। उसे संभावित वैक्सीन के बदले के तौर पर पेश किया जा रहा है। वैक्सीन विरोधियों ने आयोडीन को बनाया नया हथियार। डॉक्टर और बीटाडीन के निर्माता एवरो हेल्थ ने एंटीसेप्टिक के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को चेताया है और कहा है कि उससे कोविड-19 का इलाज करने या रोकथाम करने की कोई क्षमता नहीं है। बीटाडीन के इर्द गिर्द अफवाह को बल थाई टेलीविजन शो से मिला है। शो में एक डॉक्टर ने दावा किया है कि आयोडीन का गरारा संभावित तौर पर कोरोना के जोखिम वाले शख्स को संक्रमित होने से रोक सकता है। वीडियो को ऑनलाइन 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जिसमें थाई टेलीविजन पर लाइव प्रसारण दिखने वाले शामिल नहीं है। वायरस से संक्रमण की रोकथाम में आयोडीन को बढ़ावा देते हुए फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर पर दूसरे पोस्ट सामने आने लगे हैं। हालांकि ये बेबुनियाद दावा थाईलैंड से आया है, पश्चिम के दर्शकों से फैला मालूम नहीं हो सका। कोविड का इलाज करने के लिए फैला रहे हैं गलत सूचना फैलने के बाद एंटीसेप्टिक निर्माता तेजी से खंडन करने के लिए आगे आए हैं। बीटाडीन के आधिकारिक वेबसाइट के कोविड-19 पेज पर लिखा, नहीं, बीटाडीन एंटीसेप्टिक फर्स्ट एंड प्रोडक्ट्स को कोरोना वायरस का इलाज करने की मंजूरी नहीं मिली है। बीटाडीन एंटीसेप्टिक फर्स्ट एंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ मामूली घाव, खरोच और जलन से संक्रमण रोकने में मददगार के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बीटाडीन एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स कोविड-19 या किसी दूसरे वायरस को रोकने या इलाज करने में प्रभावी होने के लिए नहीं है। डॉक्टर ने भी कोविड की रोकथाम या इलाज में तरीके के तौर पर एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करने से मना किया है। थाईलैंड के चालोंगोंग कॉन यूनिवर्सिटी में वायरस विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पोखरत हसनतुआ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने में पेविडोन आयोडीन के इस्तेमाल का समर्थन करने का कोई सबूत नहीं है। अगर ये वास्तव में असर करती तो हम उसका हर वक्त छिड़काव करते। बीटाडीन माउथवॉश का इस्तेमाल अक्सर गले में खराश के इलाज के लिए किया जाता है। गले में खराश एक ऐसा लक्षण है जो कोरोना से संक्रमित होने पर महसूस हो सकता है। बीटाडीन का मलहम वर्जन भी स्किन के चकत्ते का इलाज करने और घाव को रोकने में आम इस्तेमाल है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।